दाद, खाज, खुजली एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है जो विभिन्न प्रकार के फंगस के कारण होता है। यह रोग हाथ पैरों में, सिर या स्किन या नाखून या गर्दन पर, जांघों पर, पेट के निचले भाग पर या गुप्तांगों या पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। दाद, खाज, खुजली में बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है खुजली होती है और इसमें बार बार जो है खुजलाने की इच्छा होती है। कभी कभी खुजलाते खुजलाते स्किन पर जो है खून भी निकल आते हैं। रात के समय या गर्मी में तो ये खुजली और भी बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम दाद, खाज, खुजली को जड़ से ख़त्म करने की कुछ दवाइयों के बारे में जानेंगे। अगर आपके भी पुराने से पुराने दाद, खाज, खुजली है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब बात करें दाद, खाज, खुजली में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाए ताकि दाद, खाज, खुजली जो है पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाए या कितनी भी पुराने से पुराने खुजली हो, जो है एक्जिमा हो, ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले जो दवा का बात करेंगे तो वह है कैंडी फोर्स कैप्सूल है। 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम की कैप्सूल ले सकते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाएगा इट्राकोनाजोल। इसे आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल रोज़ डेली लेना है। और दूसरी जो दवा है वो है एट्रैक्स 10 मिलीग्राम की टेबलेट या 25 मिलीग्राम की टेबलेट। इसके अंदर आपको मिल जाएगा हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो है खुजली को कम करता है, यानी जो इचिंग रहता है उसको कम करता है। इसमें से एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आपको एट्रैक्स 10 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम की टेबलेट नहीं मिलता है तो इसके जगह आप सेट्रिजिन टेबलेट ले सकते हैं जिसके अंदर सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड रहता है, या वाइसोलन टेबलेट ले सकते हैं। सेट्रिजिन लेना होगा तो आपको एक एक टेबलेट जो है सुबह शाम ले सकते हैं। अगर सेट्रिजिन भी नहीं मिलता है तो आप जो है वाइसोलन 5 मिलीग्राम की टेबलेट ले सकते हैं। इसके अंदर प्रेडनिसोलोन मिल जाएगा। ये मैं इसकी कंपोजिशन भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये दवा ना मिले तो इसकी जगह पर आप दूसरा कंपोजिशन जो है दूसरा मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो साल्ट रहे वो सेम रहेगा, हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड या सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड या प्रेडनिसोलोन। अगर आप एट्रैक्स टेबलेट लेते हैं तो एक एक सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर सेट्रिजिन टेबलेट लेते हैं तो आप जो है एक एक टेबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन अगर वाइसोलन टेबलेट लेते हैं 5 मिलीग्राम की तो आप जो है एक टेबलेट सुबह में और एक टेबलेट शाम में ये भी ले सकते हैं, यानी दो टाइम लेना है, तीनों में से कोई एक यूज करना है। ये जो है उसमें इचिंग रहता है, जो खुजली रहता है, जलन रहता है, उसको कम करने के लिए यूज करना है। और तीसरी जो दवा है वो है क्रीम है, जो आपको सिंगल साल्ट में क्रीम लेना है। केजेड क्रीम ले सकते हैं जिसके अंदर कीटोकोनाजोल जो है 2% हो, या अगर केजेड क्रीम नहीं मिलता है, कीटोकोनाजोल क्रीम नहीं मिलता है तो आप जो है इसके जगह लूलीफोर्ड क्रीम ले सकते हैं जिसके अंदर लल्लीकोनाजोल जो है 1% मिल जाएगा। आपको सुबह शाम जो है इसे खुजली पे, मतलब जो दाद है जहाँ खुजली हो रहा है वहाँ पे लगाना है। कभी भी आप दाद, खाज, खुजली के लिए जो है सिंगल साल्ट क्रीम का ही यूज करें। 2-3-4 पर या 5 प्रकार के जो है साल्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि 3-4 कंपोजिशन वाला जो क्रीम है उसमें स्टेरॉयड रहता है जो तुरंत तो आराम हो जाता है लेकिन दवा छोड़ने पर फिर से हो जाता है। इसलिए आप जब भी आप क्रीम का यूज करें तो सिंगल साल्ट कीटोकोनाजोल या लल्लीकोनाजोल क्रीम का ही यूज करें जो सिंगल साल्ट में हो, कंपोजिशन में, मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्म में ना हो। अगर पूरे बॉडी में खुजली हो रहा हो या रेसेज हो गया हो तो उस कंडीशन में जो है आप कैलेड्रिल लोशन पूरे बॉडी पर लगा सकते हैं चेहरे को छोड़कर, और नहाने के समय जो है टेटमोसोल साबुन आता है उससे आप नहाए और नहाने के बाद ही जो है कैलेड्रिल जो लोशन आता है उसको लगाना है, पूरे बॉडी में लगाना है। इन सभी दवाइयों को 1 महीने तक यूज करना है और आप अपने हाथों पैर और नाखून तथा इस नाखूनों को जो है साफ करके रखना है, इसे काट कर छोटे रखना है हमेशा, क्योंकि अगर नाखून बड़ा रहेगा तो इसमें भी जो है फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, या जहाँ भी खुजली होगा वहाँ खुजलाएंगे तो हो सकता है कि दूसरे पार्ट पे भी उसे छुएंगे, टच करेंगे तो वहाँ पे भी हो सकता है। और जो आप तौलिया का यूज करते हैं उसे आप हमेशा जो है गर्म पानी से धोए, और जो कपड़े पहनते हैं उसे भी जो है आप गर्म पानी से ही धोए। तो ये था कुछ
दवाइयाँ जो आपकी पूरी तरह से जो है दाद खाज खुजली जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, पहला लेना है आपको क्या, तो आपको लेना है जो है इट्राकोनाजोल का कैप्सूल लेना है, जो आपको कैंडी फोर से मिल जाएगा 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम, सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेना है। दूसरा जो है एक जो है एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेना है, आप जो है अट्रैक्स टैबलेट ले सकते हैं 10 मिलीग्राम की या 25 मिलीग्राम की। अगर ये नहीं मिलता है तो आप इसके जगह सेट्रिजिन टैबलेट ले सकते हैं, अगर ये भी नहीं मिलाता है तो आप जो है इसके जगह वाइसोलोन टैबलेट ले सकते हैं 5 मिलीग्राम के, जिसके अंदर प्रेडनिसोलोन होता है। इस तीनों में से कोई एक यूज करना है, एक एक टेबलेट दिन में 2 टाइम लेना है। और क्रीम जो है लगाने के लिए आप अगर कहीं कहीं पे बॉडी में कहीं पे है, पूरे बॉडी में नहीं है तो कहीं कहीं पे है, तो वहाँ पे जो है आप क्रीम यूज करें जो कीटोकोनाजोल नाम से मिल जाएगा, केजेड क्रीम मिल जाएगा, या लल्ली कोनाजोल जो है लुली फोर्ड नाम से मिल जाएगा। आप इसे जो है सुबह शाम लगा सकते हैं, चाहे तो दिन में 3 बार भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी में पूरी तरह पूरे बॉडी में तो आप जो है कैलाड्रिल लोशन का यूज कर सकते हैं पूरे बॉडी में, जो खुजली को कम करेगा। और जब भी आप नहाएं तो टेटमोसोल साबुन आता है उससे ही नहाएं। इतना सब दवाई जो है आपको यूज करना है, 1 महीने तक यूज करना है। और खाने में आपको जो है खट्टे चीज़ों को यूज नहीं करना है, खट्टे चीज़ यूज करेंगे तो जो है फिर से हो जाएगा और ठीक नहीं होगा। तो ये दवाइयाँ जो है आपको पूरी तरह से जड़ से जो है दाद खाज खुजली को ख़त्म कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये था दाद खाज खुजली का जड़ से ख़त्म करने का इलाज। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।